पुलिस स्टेशन गिट्टी खदान की हद में बर्डे लेआउट यहाँ पे दीवेला स्पैलून एंड एकेडमी करके एक संस्था है जो कि ब्यूटी पार्लर सैलून और स्पा है। 6 महीने से वो खुला हुआ है और वहाँ पे श्री अंशुल बावन गड़े करके जो इंसान है जिनका ये सैलून और स्पा है वो उनकी पत्नी की मदद से वहाँ पे महिलाओं को अधिक पैसे का प्रलोभन देके उनसे मसाज के नाम पे पेशा व्यवसाय करते हैं, इसकी हमें जानकारी मिली हुई थी। तो इस जानकारी को हमने वेरीफाई किया और फिर उस हिसाब से हमने एक बनावट ग्राहक को भेज के वहाँ पे रेड की है जिसमें हमको एक विक्टिम मिली है और ये जो दो आरोपी हैं जैसे हमने बताया। तो वहाँ पे रेड करने के बाद ये पता चला है कि वो विक्टिम को इस बार तो उन्होंने 15-20 दिन पहले बुलाया हुआ था ये काम के लिए। और जो अंशुल बावनगढ़े की बीवी है जो कि सीमा बावनगढ़े, इनका धंतोली में भी एक रॉयल ब्यूटी पार्लर और सलून है, वहाँ पे उन्होंने उसको बुला के उसका इंटरव्यू लिया था और वहाँ पे और यहाँ पे काम करने के लिए इस लेडी को बुलाया गया था जिसमें मसाज के नाम पे वहाँ पे जो है देह व्यापार चल रहा था। और ये जो सलून है ये 6 महीने से चालू है और इसमें पहले भी और महिलाओं को काम दिया गया था लेकिन अभी जो है वो हमको एक पीड़ित महिला मिली है। इस कार्रवाई में हमने एक पीड़ित को जैसे हमने बोला कि रेस्क्यू किया गया है, श्री अंशुल बावनगढ़े जो कि सलून और स्पा के चालक मालक है और उनकी बीवी जिन्होंने इस लेडी को बुलाया था सीमा बावनगढ़े, इन दोनों आरोपियों को, इसके अलावा इनके 3 मोबाइल, इनके 2 एक्टिवा गाड़ी और वहाँ कुछ कुछ सामान, इस तरीके से 1,92,040 का माल और इन दो आरोपियों को हमने ताबे में लिख के पुलिस स्टेशन को दिया गया है। और इस कार्रवाई में जो है प्रकाश माथनकर जो हमारे अमलदार हैं इन्होंने बहुत अच्छे से पूरी जानकारी लेके उसको वेरीफाई करने का काम किया है। इसके अलावा हमारी जो पूरी टीम है जिसमें कि सचिन है, कुणाल है, अजय है, प्रकाश माथनकर जैसे हमने बताया, पूनम, लता मैडम जो है, और इसके अलावा हमारे जो ड्राइवर कमलेश है, इन सब ने बहुत अच्छे से काम किया है। अभी तक तो ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड उनका मिला नहीं है क्योंकि पहले ये जो है ड्राइवर का काम करते थे, फिर उन्होंने चिकन का भी वो काम करते थे, तो अलग अलग तरीके का काम करके इन्होंने पैसे जमा करके ये सलून और स्पा जो है वो लिया था और वो बनाया था, ऐसा उनका कहना था। तो इनका ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।